आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना? मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। बुलबुलिया 2 की शूटिंग आखिरकार अजय देवगन की वजह से आज तक क्यों कुवारी है तब्बू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों फाइनली बुलबुलिया 2 का शूट कंप्लीट हो चुका है और इस फिल्म में तब्बू, कार्तिक आर्यन, किराना आडवाणी नजर आने वाले हैं। तब्बू ने एक पिक्चर शेयर किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, कास्ट एंड क्रू नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों एक्टर तब्बू की बात करें तो बतौर मुख्य अभिनेत्री उन्होंने प्रेम फिल्म की थी। ये फिल्म 1995 में आई थी। इस फिल्म में तब्बू के साथ अभिनेता संजय कपूर मुख्य भूमिका में थे, लेकिन इस फिल्म को बनने में 8 साल का वक्त लग गया। इस वजह से उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म पहला पहला प्यार बन गई, जिसमें अभिनेता ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे। तब्बू की पहली हिट फिल्म थी विजय पथ, जिसमें उनके ऑपोजिट अजय देवगन थे। एक्ट्रेस ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब्बू ने अपने करियर में चांदनी बार, दृश्यम, बीवी नंबर 1, हुदुदु, हेरा फेरी, अस्तित्व, मकबूल, चीनी कम, हैदर, दे दे प्यार दे, भूलभुलैया 2 जैसी फिल्में की। उन्होंने मीरा नायर द्वारा निर्देशित द नेमसेक और एंगली की लाइफ ऑफ पाई जैसी अंग्रेजी भाषा फिल्मों में भी काम किया। तब्बू को आखिरी बार मीरा नायर की अनसुटेबल बॉय में देखा गया। दोस्तों इतना सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद भी तब्बू आज तक सिंगल है। खुद एक्ट्रेस ने इस मौके पर इसके पीछे की वजह बताई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर वो आज तक सिंगल है तो इसकी वजह अजय देवगन है। तब्बू ने कहा था, मेरा कजिन समीर आर्या और अजय देवगन पड़ोसी थे, ये दोनों मुझ पर नजर रखते थे और फॉलो करते थे। अगर कोई लड़का मेरे पास भी आता था तो ये दोनों उसकी पिटाई करने लगते थे। उन्होंने आगे कहा कि अजय देवगन के कारण मैं सिंगल हूँ। एक्ट्रेस ने कहा, अजय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों कई फिल्में साथ की, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। तब्बू सीनियर एक्टर शबाना आजमी की भतीजी है, वहीं बाबा आजमी और तन्वी आजमी उनके चाचा चाची हैं। तब्बू ने फिल्मों में जितनी खूबसूरती से अपना रोल प्ले किया, उतनी ही शानदार अंदाज में फिल्मों में नेगेटिव रोल में भी नजर आई। कई फिल्मों में तब्बू विलन की भूमिका निभा चुकी है। तब्बू ने जाल, हैदर, अंधाधुन में नेगेटिव किरदार निभाया है। साल 2011 में तब्बू को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया। दोस्तों तब्बू की आने वाली है भूलभुलैया 2 और काफ़ी शानदार होने वाली है। कितना इंतजार है भूलभुलैया 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।